चलिए बढ़ेंगे खबर की ओर। ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने को लेकर सूबे की सियासत पर गर्मा सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 18 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा था। करीब 15 दिन बाद शिवराज ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने 8 महीने तक कोर्ट के समक्ष जवाब ही पेश नहीं किया, न ही कोर्ट से मिले स्टे को समाप्त कराने की कोशिश की गई। सीएम शिवराज ने कहा कि 19 मार्च 2019 को कोर्ट में कांग्रेस सरकार के महाधिवक्ता तक उपस्थित नहीं हुए थे। इससे पहले 14 से 19 मार्च 2019 तक की याचिका में भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 19 मार्च को ओबीसी आरक्षण की सीमा को 14 से 27 फीसदी किए जाने के आपकी कांग्रेस सरकार के निर्णय को स्थगित कर दिया था। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब आप सरकार में थे तब प्रयास किए गए होते तो आज यह स्थिति नहीं बनती। सीएम चौहान ने कहा कि हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।